हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेरा आदर्श लोक में। आज हम आपके लिए अनबॉक्सिंग लेकर के आए हैं ये इंको के रैचेट सेट की। इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है HKTS 14122। ये 12 पीस 1x4 इंच सॉकेट सेट है। इसके साथ आपको जो भी आइटम्स मिलते हैं इंक्लूडेड, वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को पढ़ सकते हो। इस तरह की कुछ पैकेजिंग में आता है। यहाँ नीचे ब्रांड है, यहाँ सामने भी ब्रांड लिखा हुआ है हैंडल पर। मैं इसको अनबॉक्सिंग करके पहले ही देख चुका हूँ और अब मैं आपके लिए इसकी वीडियो लेके आया हूँ। मैंने इसको ऑर्डर किया है क्रोस्ट की वेबसाइट से, KROST, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। और इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो है a2zshop.co.in। मैं ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को परचेज़ करने में दिक्कत ना हो। और अभी आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट शो भी कर रही होगी। इनकी जो रिटर्न रिफंड पॉलिसी है मैं कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये एक नई वेबसाइट है, मैंने जहाँ से परचेज़ किया तो मेरे को नहीं लग रहा था कि रिलायबल होगी, लेकिन रिलायबल है। प्रोडक्ट अच्छे से उन्होंने मेरे को भिजवा दिया है, मेरे को रिसीव हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप एक बार परचेज़ करने से पहले इनकी जो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी वगैरह हैं वो एक बार पढ़ लें। इस समय आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। इनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप एड्रेस, ये सभी आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी चौड़ाई की और लंबाई की, मेजरमेंट्स ले लेते हैं कुछ। तो आप देख सकते हो मैंने एक 12 इंचेस का स्केल रखा हुआ है। ये अप्रोक्स मैंने एकदम सेंटर से मतलब लिया है ऊपर से, और एक एक आइडिया देने वाली बात है। और आप देख सकते हो ये जो है लगभग 8.5 इंच की इसकी लंबाई आपको शो कर रहा होगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी चौड़ाई की। तो चौड़ाई में देख सकते हो मैंने स्केल को कुछ इस तरह यहाँ पर प्लेस कर दिया है, और ये मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक देखो एकदम रखा हुआ है। तो ये जो है लगभग बैठ रहा है पूरे देखो 5 इंच। ये केवल एक आपको आइडिया देने के लिए है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। अब हम आगे बात करेंगे वीडियो में इसके कुछ वेट की, कि कितना इसमें वेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रांड ने काफ़ी सॉलिड इसको बनाया है। तो अब हम आपके लिए इसका वेट करके दिखा देते हैं आपको। तो ये अराउंड 420 ग्राम्स के अराउंड आ रहा है। मेरी जो वेइंग मशीन है वो शो कर रही है 430 ग्राम्स। तो काफ़ी वेट है इसमें, आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ खाली रैचेट का वेट। ये जो छोटा सा रैचेट है ये देख सकते हो 140 ग्राम्स के आसपास इसका वेट शो कर रहा है। मैंने इस प्रोडक्ट को जो a2zshop.co.in है इस वेबसाइट से पहली बार ऑर्डर किया है, और ये समथिंग अराउंड मेरे को 782 रुपीज़ का पड़ा है इंडियन रुपीज़ में। और अगर आप इसको प्रीपेड ऑर्डर करते हो, यानी कि पेमेंट को पहले कर देते हो वेबसाइट पे, तो ये आपको 682 रुपीज़ का मिल जाएगा इजीली। तो मैंने पहली बार ऑर्डर करते हुए इस वेबसाइट से रिस्क नहीं लिया, और मैंने 682 रुपीज़ का ये है वेबसाइट पर अवेलेबल, और 100 रुपीज़ मैंने कैश ऑन डिलीवरी के पे किए हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो कम से कम 3 से 4 दिन तक तो कोई रिस्पॉन्स था ही नहीं कंपनी का। उसके बाद मैंने इनको कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश की, फिर अचानक से मेरे पास 5वें या 6वें दिन कंपनी का कॉल आया कि आप इसको ऑर्डर को कंफर्म भी करना चाहते हो कि नहीं चाहते। तब मैंने उनसे बात की और बोला उनको इस चीज़ के लिए कि आप मेरा ऑर्डर कन्फर्म कर दीजिए। तो मेरे को हार्डली उसके बाद कॉल के बाद 2 दिन में ये रिसीव हो गया। उन्होंने मेरे को बताया कि उनके पास आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, तो खैर दे रहा है दुरुस्त है। रैचेट को आप देख सकते हो ये मेरी हाथ की हाइट का है, बहुत छोटा रैकेट है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। मेजरमेंट की बात करते हैं तो देखो ये लगभग 6 इंच का बैठ रहा है। ये आपको आइडिया देने के लिए
इस सेट के अंदर आपको ये 10 सॉकेट भी मिल जाते हैं और साथ में ये एक्सटेंशन वाली रॉड भी मिल जाती है। अभी मैं आपको इसकी भी लेंथ बताता हूँ। इस एक्सटेंशन बार की जो लेंथ कंपनी क्लेम करती है वह 100 मिलीमीटर्स, काफ़ी भारी है ये भी वेट करने में। और देखिए ग्रिप भी कितनी अच्छी है, ये यहाँ से जाता है रैचेट के अंदर और यहाँ से जो है आप सॉकेट इसके अंदर अटैच कर सकते हो। अब मैं आपको सॉकेट दिखाता हूँ। ये प्लास्टिक है और ये है मेटल। इंको की ब्रांडिंग आपको यहाँ भी मिल जाएगी और ये देख सकते हो CRV टेक्नोलॉजी V5mm का सॉकेट है। हेक्सागोनल शेप में ये आता है, देख सकते हो आप, और यहाँ से रैचेट के अंदर अटैच हो जाते हैं। एक बार मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ। अगर आपको टाइट करना है तो ये आपको इस पोजीशन में रखना पड़ेगा और लूज़ करना है स्क्रू को तो ये आपको इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। यहाँ से ये बटन है, इसको हम प्रेस कर सकते हैं, देख सकते हो प्रेस करके ये एक रॉड सी निकल के आती है। इसके बाद हम इसको यहाँ से इसके अंदर ऐसे डाल सकते हैं और ये बटन को रिलीज़ करते ही ये अटैच हो जाएगा, निकलेगा नहीं, एकदम सॉलिड। अब आपको इसको टाइट करना है तो ऐसे टाइट होगा और ये आवाज़ आप सुन सकते हो। ईजीली आपको पूरा, जैसे चाबी को होता है ऐसे हमें 360 रोटेट करना पड़ता है, वो नहीं है इस चीज़ के साथ। ये देखिए ये स्क्रू मैं टाइट कर रहा हूँ इस समय, ये टाइट किया हमने तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आप आवाज़ आपने सुन ली होगी। और इसको रिलीज़ करने के लिए हम वापस इस बटन को प्रेस करेंगे और ईजीली इसको निकाल लेंगे। चलिए और देखते हैं सॉकेट कौन कौन से मिलीमीटर्स के हमारे को मिल जाते हैं। तो ये वाला जो सॉकेट है ये है हमारे पास 6 मिलीमीटर का। होपफुली मैं आपको अच्छे से आइडिया दे पा रहा हूँ। ये भी हेक्सागोनल शेप में ही आता है, आप देख सकते हो, इधर से रैचेट में अटैच होता है और इधर से आप किसी भी स्क्रू में डाल के उस उसको नट को टाइट कर सकते हो। और देखते हैं ये वाला 7 मिलीमीटर का है, ये वाला 8 मिलीमीटर का है। होपफुली वीडियो में आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। इस वाले की बात करते हैं तो ये है 9 मिलीमीटर का, अच्छे से एंग्रेव्ड है, समय के साथ मिटेगा नहीं। और ये वाला देखते हैं, सबसे बड़ा है ये, इसमें तो ये आपको मिलता है 14 मिलीमीटर का। इसके अंदर देखते हैं ये मिलता है 13 मिलीमीटर का। ये देखिए हेक्सागोनल शेप में, इधर से रैचेट में अटैच होगा, काफ़ी भारी है, लंबे समय तक ये आपका चलेगा। ये देखिए हेक्सागोनल शेप में और ये है 12 मिलीमीटर का, देख सकते हो आप। ये वाला आपको मिलता है 11 मिलीमीटर का और ये 10 मिलीमीटर का, काफ़ी सॉलिड बिल्ड है। तो यही 10 सॉकेट हैं इसमें, ये पूरा प्लास्टिक का है इसका, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मुझे लगता चलेगा, लेकिन स्टोरेज के लिए ठीक है, आप इस जो सॉकेट हैं इधर उधर खोएंगे नहीं। तो एक बार मैं आपको ये CRV टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए हर तरफ एंग्रेव्ड है यहाँ पे CRV, ऐसे ही हर कोई भी आप सॉकेट उठाते हो तो इनको की ब्रांडिंग के साथ यहाँ CRV ज़रूर लिखा हुआ है। तो CR का मतलब है क्रोमियम और V से वेंडियम, यानी कि इन दोनों, ये जो मेटल्स होते हैं इन दोनों का एलॉय से ये तैयार किए गए हैं प्रोडक्ट। और ये कार्बन स्टील के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, एंटी कोरोजिव हैं, यानी कि जंग नहीं लगेगा इनमें समय के साथ, और काफ़ी अच्छे ड्यूरेबल चलेंगे आपके, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। इनका वेट बता रहा है, मेरी जो वेइंग मशीन है वो 50 ग्राम से ज़्यादा वेट नहीं नाप पाएगी, इसलिए मैं आपको इनका वेट नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं कोशिश ज़रूर करता। अब रैचेट में देख लेते हैं। रैचेट में ये जो है रबराइज ग्रिप है, काफ़ी अच्छी है, फिसलेगा नहीं हाथ से। और ये जो पीछे आप देख रहे हो ये मेरे को प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, और ये स्टार वाला इसमें पेंच भी लगा हुआ है। इन फ्यूचर कोई दिक्कत हो तो शायद इसको चेंज भी किया जा सकता है, बाकी काफ़ी सॉलिड है यार, आप इसको मंगा सकते हो, ब्रांड ने काफ़ी अच्छा काम किया है।
है ये चाइनीज़ ब्रांड, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है एक रैचेट की तो आप इसको देख सकते हो। तो बस यार यही था इस वीडियो में, यही इसमें आपको सब मिलता है, ये सब आप देख सकते हो वेबसाइट पे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, देख सकते हो आप, मेड इन चाइना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।